अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे मिनी अम्ब्रेला। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा कॉइन, और फिर हम लोग कॉइन के ऊपर ग्लू लगा देंगे ग्लू गन के ज़रिए। हमें अम्ब्रेला बनाने के लिए चाहिए होंगी ईयरबड। ईयरबड की दोनों साइड होती हैं रुई, छोटी छोटी रुई लगी हुई होती है वाइट कलर की। तो हम लोग एक साइड की रुई हटा देंगे और एक साइड की लगी रहने देंगे। जिस साइड से हमने हटाई होगी ना, उस साइड से हम लोग कॉइन पर पेस्ट करेंगे। तो मैं आपके लिए अपने चैनल पर कुकिंग की, क्राफ्टिंग की और डिफरेंट वीडियोस लाती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग को टोटल 8 ईयरबड चाहिए होंगी कॉइन पर पेस्ट करने के लिए। तो अभी मैंने 4 पेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब एक दो सीधी, फिर दो आड़ी, और फिर अब काटे के लिए पहले एक प्लस बनाया दीदी, और फिर अब एक क्रॉस बनाएंगे इस शेप में। हम लोग पेस्ट करेंगे, देखें बस एक और एक रह गई है, वो भी मैं जल्दी से पेस्ट कर देती हूँ। देखिए मैंने 8 ईयरबड पेस्ट कर दिए हैं। अब हम इस पर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है ना वूल, वो आहिस्ता आहिस्ता राउंड राउंड जिसके अंदर से गुजारेंगे। मतलब एक बार दो राउंड लिए, फिर नेक्स्ट पे जाके दो और राउंड लिए, मतलब एक एक करके पहले एक ईयरबड पे दो राउंड लिए, फिर अगली ईयरबड पे जाके दो राउंड लिए। इस तरीके से हम लोग करेंगे और पूरी अम्ब्रेला जो है हमारी है, मतलब पूरी ईयरबड जो हैं उन्हें कवर्ड करेंगे, तो हमारा थोड़ा बहुत अम्ब्रेला का शेप आएगा। तो देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने पहले एक पे दो राउंड किए, फिर अब मैं नेक्स्ट पे जाके उस पर दो राउंड करूँगी। देखें हल्का हल्का टेक्सचर आना शुरू हो गया। तो देखें अभी मैंने हाफ कर लिए। तो देखें काफ़ी, मतलब देखने में भी काफ़ी प्यारी लग रही है मेरी अम्ब्रेला। देखें हल्का हल्का से यहाँ से खुला रह गया, तो हम लोग हल्का हल्का सा आगे कर देंगे। मतलब जो होती है ये जगह है, इन्हें लपेटने के बाद इसे जरा सा अप की तरफ कर देंगे, क्योंकि इसमें हल्का हल्का सा गैप आ रहा है, तो वो नहीं आए। और आए भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखें मतलब मेरी पूरी अम्ब्रेला, तकरीबन पूरी अम्ब्रेला कवर हो गई है। अब हम हल्का हल्का से ऊपर कर रहे हैं कि हाँ ऊपर होने की थोड़ी सी स्पेस है, तो हो सकता है गैप कम हो जाए, बिकॉज अभी भी काफ़ी गैप आ रहा है। तो ना आज मतलब जैसे कहा आज तो मसला नहीं है, लेकिन ना आ जाएगा अच्छा। तो अब जहाँ से गैप आया है वहाँ पे हल्का सा वापस लपेटेंगे, क्योंकि जहाँ से हम लोग ने गैप मतलब ऊपर किया तो नीचे का खाली हुआ है, तो अभी और लपेटेंगे। हल्का तो अभी फुल कवर कर देंगे, सिर्फ मतलब ये जो कॉटन बट के ना, मतलब वाइट वाइट जो है रुई जो है वो सिर्फ नज़र आए, ये ब्लू ब्लू नज़र ना आए। तो देखें बस थोड़ा सा ही रह गया, मेरा तकरीबन मेरा पूरा हो गया है। तो मैं थ्रेड कट कर लिया है, भूल जो थी वो कट कर लिए, और अब हम लोग ग्लू गन की ही जरिए एंड के जो सिरा है ना उसे ग्लू गन के जरिए पेस्ट कर देंगे। ये मेरी ग्लू गन मैंने लगाई और अभी से फोल्ड कर दिया। तो देखें ये पेस्ट हो, अब मुझे पक्का करने की जरा से और लगा दें ताकि ये निकले ना। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी डिजाइनिंग फ्लावर, मैंने यहाँ पे वूल से ही बनाया हुआ है फ्लावर, तो मैं वाला फ्लावर पेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको इस फ्लावर के बनाने का तरीका चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको इस फ्लावर के बनाने का भी तरीका
बनाना बता दूंगी। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा फ्लावर पेस्ट कर दिया और ये भी मैंने वूल के ज़रिए ही बनाया है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग एक और ईयरबड ले लेंगे, एक ईयरबड लेंगे और दूसरी ईयरबड को बीच में से हाफ कट कर लेंगे ताकि हमारे अम्ब्रेला की रनिंग थोड़ी सी मतलब लंबी हो जाए, बिकॉज अगर हम लोग एक ईयरबड से करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट होगी। अब हम लोग दोनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे। मैंने इसे ना फाइनली पेस्ट कर ही लिया था चीज़ों को। अब हम लोग इसे अम्ब्रेला से पेस्ट कर देंगे, मतलब हमारे जो हमने डंडी तैयार की है ना हम उसे अम्ब्रेला से पेस्ट कर देंगे। तो अच्छे से हम लोग लूप लगाएंगे ताकि ये ना बाद में निकले ना, वरना अगर बाद में निकलेगी तो हमें काफ़ी मसला होगा, तो इसलिए अभी अच्छे से लूप लगा लें ताकि हमारी अम्ब्रेला जो है वो बाद में टूटे ना। तो अभी तो थोड़ी देर तक पकड़ के रखेंगे ताकि कहीं गिर ना जाए, वरना अगर गिर जाएगी तो और मसला हो जाएगा, हमारी अम्ब्रेला ख़राब हो जाएगी ना अगर ये गिरेगी तो। तो अभी इसमें काफ़ी निकल ली थी बिल्कुल जो मैंने चिपकाने से ज़्यादा लगाए थे, बाद में मैं इसे क्लीन कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको मेरी अम्ब्रेला कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।